बाद आपके साथ क्या वाक्या पेश आया? मदर को पिक करके मैं सोया आसल रोड की तरफ जा रही थी और रास्ते में काफ़ी फोग हो गई। जब फोग हो गई तो राइडर ने हमें हमारे घर से तकरीबन 5 किलोमीटर पहले ही उतार दिया क्योंकि काफ़ी खड़े थे। मैं वहाँ पे मदर को खड़े करके थोड़ा सा आगे गई, मोबाइल टॉर्च जलाई और मुझे थोड़ा रास्ता नज़र आया। इतनी देर में पीछे से मेरी मदर किसी खाई में गिर गई, उनको काफ़ी चोट वगैरह आ गई थी। फ़ोन करने के लिए अपनी सिस्टर को मोबाइल निकाला तो मुझे वुमेन सेफ्टी ऐप नज़र आई। फ्रेंड ने रिकमेंड की थी मुझे कि आप इस अपना डिस्टेंस काफ़ी है जॉब और घर का, तो आप इस ऐप को अपने पास रखें, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो ऐप से आपने किस तरह से हेल्प ली? पहले उनके साथ चैट की, बट वो एक स्नैरियो ऐसा था कि मैं चैट कर नहीं पा रही थी और मैं चैट स्टॉप कर दी। बट फिर वुमेन सेफ्टी की तरफ से मुझे कॉल आई, मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे अपनी लोकेशन नहीं बताना आ रही थी, बट वुमेन ऐप सेफ्टी ऐप के ज़रिए मेरी लोकेशन भी उन तक पहुँच गई थी। एक ऐसी जगह पे थी कि वहाँ पे बाइक या गाड़ी भी नहीं आ सकती थी। 45 मिनट्स के ड्यूरेशन में उनके सायरन सुनाई दे रहे थे कि पुलिस मेरे करीब है और मैं इत्मीनान में मैं सेफ हूँ। और जब पुलिस मेरे पास पहुँची और फिर उन्होंने अपनी गाड़ी को कहीं सेफ जगह पे बुलवाया और मेरी मदर को और मुझे बाहिफाजत घर पहुँचाया। क्या समझती हैं पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद रही? अगर सेफ्टी ऐप ना होती तो मुझे लगता था कि मुझे पूरी रात वहीं पर गुजारनी पड़ती और मैं बाहिफाजत घर पहुंच गई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी चीज़। तकरीबन रात को 1:30 बजे के करीब मुझे वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन पे इफ़त नामी खातून का एक मैसेज मौसूल हुआ था। वो कह रही थी मुझे राइडर ने एक ऐसी जगह पे उतार दिया जो कि सुनसान है और फॉग की वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ पर हूँ। मैंने कहा मेरे साथ मेरी मदर है, तो मैंने पुलिस को फौरी डिस्पैच किया उस जगह पर। थोड़े टाइम में पुलिस उसके पास पहुँच गई थी और पुलिस बाकायदा फिर उसको उसके घर तक ड्रॉप कर आई थी।